पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे और पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने राजद को छोड़कर जदयू की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पैसे लेकर टिकट बेचने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सारण प्रमंडल में 4 लोकसभा सीटें हैं और चारों सीटों पर राजद का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि राजद 2025 में भी 0 पर आउट होगी। ये राजद को छोड़कर एक बार पुराने घर में जो है रणधीर सिंह जी की वापसी हुई है। हमारे साथ है, भीड़ आप तमाम देख सकते हैं, जिस तरह से जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जो हुजूम उमड़ा है, हमारे साथ रणधीर सिंह जी है। सर, जिस तरह से बीच चुनाव के बीच में लगातार खबरें चल रही थी कि आप मतलब आएंगे, जदयू ज्वाइन करेंगे, कैसा लग रहा है फिर से एक बार पुराने घर में वापसी हुई है? देखिए, ये तो मेरे पिता का घर है, मेरे लिए पैतृक आवास है, और मैं जहां अपना घर समझ के मजबूती से था, इस घर के मालिकों ने मुझे किरायेदार बना दिया है और जीवन में किराए पर रहने का आदत नहीं है। लगातार आपने मेहनत की, 4 साल आपने खुद भी बताया कि बड़ी मेहनत की, कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादातर जो राजद का है, आपने स्तंभ बनाया, वोट बैंक बनाया, लेकिन अंतिम समय में जब चुनाव की बारी आई तो आपको धोखा दिया गया, टिकट जो है किसी दूसरे प्रत्याशी को दिया गया। महाराजगंज में उनके पास प्रत्याशी कहाँ था, ना राजद के पास मेरे अलावा कोई था, ना किसी कांग्रेस को सीट दिया गया है, कांग्रेस के पास महाराजगंज में प्रत्याशी कहाँ था? अखिलेश सिंह जी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अपने बेटा को लड़ा दिए, उनके पास प्रत्याशी कहाँ कोई है? और आज भी आकाश आकाश में ही रह जाएगा, धरातल पे महाराजगंज के नहीं आ सकता है। आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे की रणनीति स्पष्ट है। जब मैं एनडीए का एक हिस्सा बन गया हूँ, एनडीए परिवार में शामिल हो गया, एनडीए को अपने कमिश्नरी में लोकसभा चुनाव में मजबूत करूंगा, चारों सीट जिताने का काम करूंगा। अभी अभी सर, जो बड़ा क्षेत्र है, कहा जाता है कि उस क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा प्रभुत्व है, तो क्या लग रहा है कि एनडीए जो 40 बार का जो यहाँ कहा गया है और 400 बार देश में कहा गया है, क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 400 बार और बिहार में 40 बार? देखो, बिहार में तो 40 में 40 सीट जितना तय है, अगर कहीं इपट एक दो सीट पे हो भी जाए, लेकिन चारण कमिश्नरी का चारों सीट एनडीए को जितना तय है और हम लोग जिता के देंगे। आपने कहा कि नीतीश कुमार ने बेटा कहकर संबोधित किया और एक पिता आपके जेल में है, जो कि लगातार चल रहा था कि प्रभुनाथ सिंह बाहर आएंगे, लेकिन मामूली सा आरोप लगाकर उनको 8 साल से अभी तक जेल में रखा गया। देखिए, वो कानूनी प्रक्रिया है और कानून के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, कहीं कुछ कमी जरूर हुई है, लेकिन आने वाले समय में मुझे इतना विश्वास है कि मेरे पिता उस मुकदमे से रिहा होंगे और समाज के बीच में अपने घर में होंगे। जदयू परिवार को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जदयू के सभी माननीय नेता लोग हैं, मेरे अभिभावक हैं, आप बड़े भाई हैं, जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के एक एक सदस्य कार्यकर्ता सभी को बस इतना ही कहना चाहेंगे, हम लोग थोड़ा दूर जरूर हुए थे, लेकिन आज हम एक हो गए हैं। हम लोग आपस में मिलके महागठबंधन को हराने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ा जाए और पूरे बिहार में 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इतना हम लोग मेहनत करें कि बिहार में राजद का नामो निशान समाप्त कर दें। तो देखिए, साफ तौर पर ये रणधीर सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2025 की जो तैयारी है अभी से शुरू हो चुकी है और इन्होंने कहा है कि राजद को 2025 में 0 पर आउट करेंगे।